अंधविश्वास है और इस टाइप से अंधश्रद्धाएं हैं, मैं उनको नहीं मानता जी। क्योंकि एक अंधभक्ति या अंधश्रद्धाएं मतलब कहीं ना कहीं लोगों को एक ठगने का काम होता है और उनके विश्वास को छलने का काम होता है। इन चीजों में नहीं, बाकी धार्मिक चीजें हैं तो थोड़ी बहुत अपन को मानना चाहिए। आपकी किसी व्यक्ति के बारे में मतलब पूरी जानकारी बिना कुछ मतलब पते के वो मुखागर बोल देते हैं, बता देते हैं, तो हमारा भी कहीं ना कहीं यही कर्तव्य है कि हम इस टाइप की अंध जो श्रद्धाएं हैं उनसे मतलब लोगों को जागरूक कर सकें। अब कोई भगवान शंकर को मानने बोलता है, कोई भगवान दूसरे को बोलेगा, कोई हनुमान जी को बोलेगा, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो श्रद्धा हो आप सब भगवान को माने, किसी के कहने पर कोई भगवान को ना माने और अंधभक्ति या अंधविश्वास पर विश्वास ना करें। जैसे पुराने समय में मतलब कोई पादरी वगैरह हुए मतलब अदर धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में भी मतलब जो जादू टोनाएं वगैरह होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक सब कॉन्शियस माइंड का मतलब एक फैक्टर जुड़ा रहता है। हम यहाँ से सोच रहे हैं किसी के बारे में तो वो जो हमारी मतलब वेव है वो हजारों किलोमीटर तक काम करती है, हाथ छू करके या फिर अपना कहीं भी मतलब स्पर्श करके और लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यदि वो ऐसा करने लगे तो फिर ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं आपकी मेडिकल वगैरह हैं हॉस्पिटल हैं वो किसी काम की नहीं है, फिर आप उनको बंद करवा दीजिए, उन्हीं से करवा लीजिए इलाज। बाकायदा मैंने अपने जीवन में भी मतलब ये अनुभव किया है पढ़ते हुए कि जैसे मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ और वो घटना आगे हो चुकी होती है, मतलब हर किसी की लाइफ में ये घटनाएँ होती हैं कि हम कोई चीज़ें सोच रहे हैं। बागेश्वर बालाजी धाम को लेकर के बीते कुछ दिनों से जो विवाद चल रहा है, जिस विवाद के बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर बालाजी सरकार के ऊपर अंधश्रद्धा निवारण समिति के सह अध्यक्ष मानव श्याम जी के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं कि उनके दिव्य दरबार के माध्यम से जादू टोने अंधभक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस विवाद को लेकर के, उनके दिव्य दरबार को लेकर के और किसी भी संत या किसी भी सामान्य मनुष्य में दिव्य चेतनाएं होती हैं या नहीं होती हैं, इन विषयों को लेकर के हम यहाँ पर कुछ युवाओं से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। हेलो सर, मेरा नाम कृष्णा सिंगौर है, मैं मंडला जिले से हूँ और एक विद्यार्थी हूँ, और इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बागेश्वर बालाजी को मतलब नाम सुना है जी। और लोग बताए उन्हीं के मुंह से मतलब उनके जो भी कारनामे हैं वो सुना है जी। पर जो अंधविश्वास है और इस टाइप से अंधश्रद्धाएं हैं मैं उनको नहीं मानता जी। क्योंकि एक अंधभक्ति या अंधश्रद्धाएं मतलब कहीं ना कहीं लोगों को एक ठगने का काम होता है और उनके विश्वास को छलने का काम होता है। और मैं एक मतलब सिविल सर्विस का स्टूडेंट हूं, उसके नाते मैं ये बताना चाहता हूं कि सिविल सर्विस में हम लोगों को मतलब हम एथिक्स वगैरह ये सब पढ़ने के बाद मतलब कहीं ना कहीं हम भविष्य में जाकर अधिकारी बनेंगे, तो हमारा भी कहीं ना कहीं यही कर्तव्य है कि हम इस टाइप की अंध जो श्रद्धाएँ हैं उनसे मतलब लोगों को जागरूक कर सकें जी। और मतलब जैसे उनके बारे में और भी मतलब कुछ अभी मतलब बाबा वगैरह हैं या पूर्व में जैसे आसाराम हुए, राम रहीम हुए, राम रहीम हुए, निर्मल दरबार एक हुए, निर्मल दरबार हुआ, अभी भी कुछ दो तीन मतलब साथियों का नाम, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता पर उनका नाम चल रहा है, अब मेरे घर में भी मतलब उनके प्रति है लेकिन मैं नहीं मानता उनको, और अपने घर में अब मैं विरोध नहीं कर सकता क्योंकि अब फैमिली है, तो मैं बोला कि आपको जो लगे लेकिन मेरे को शुरुआत अपने ही घर से करनी है, तो मैं भविष्य में जब सक्सेस हो जाऊंगा तो मैं सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करूंगा कि ये सब मान्यताएं को हम नहीं मानना चाहिए। बाकी श्रद्धा भक्ति का ये है कि अब जैसे माँ नर्मदा है उनकी श्रद्धा हमें बिल्कुल करनी चाहिए, या भगवान में विश्वास अपने तरफ से रखना चाहिए ना कि किसी के कहने पर, और वो तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने बचपन से ही मतलब भगवान में श्रद्धा रखता है, तो अभी कोई पिछले दो तीन साल में मतलब उभर के आए और वो सीधे ही मतलब अपनी तरफ से भगवान को मानने को कहे और लोग मानने लगे, अब कोई भगवान शंकर को मानने बोलता है, कोई भगवान दूसरे को बोलेगा, कोई हनुमान जी को बोलेगा, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो श्रद्धा हो आप सब भगवान को माने, किसी के कहने पर कोई भगवान को ना माने और अंधभक्ति या अंधविश्वास पर विश्वास ना करें। दिव्य चेतनाएं या दिव्य शक्तियां जैसी कोई चीज़ें होती हैं, आपका परिचय तो बता दीजिए। मेरा नाम अंकुल सिंह गौर है, मैं मंडला डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। क्या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में पूर्णतः जान सकता है? पूर्णतः तो मतलब पूर्णतः
कुछ भी मतलब बतन आंशिक तौर पे भी नहीं जान सकता, जितना मतलब पता है उस हिसाब से अपन मतलब जानते, बाकी तो इन चीज़ों में नहीं। बाकी धार्मिक चीज़ें हैं तो थोड़ी बहुत अपन को मानना चाहिए, बाकी ऐसा कि कोई किसी के बारे में बता देगा इस तरह से ये सब अफवाह। आपका नाम? मेरा नाम विवेक सिंह गौर है, मैं भी मंडला जिले से हूँ और एक विद्यार्थी हूँ। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी एक दो सालों में, और मैंने मोबाइल में भी अपने YouTube वगैरह में है ना, Instagram में रील्स वगैरह भी देखी हैं, तो उसमें मैंने देखा है वहाँ का जो बागेश्वर धाम है उसमें मतलब आपकी किसी व्यक्ति के बारे में मतलब पूरी जानकारी बिना कुछ मतलब पते के वो मुखागर बोल देते हैं, बता देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। मैं हूँ, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये मतलब किसी के अंदर की जानकारी मन की बात मेरे हिसाब से तो नहीं बता सकते, है ना। और जितना भी मतलब देखा मैंने उनके मतलब अंधविश्वास है, मंत्र विद्या है, है ना, तो वो जहाँ तक मेरी समझ में तो वो बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल उचित नहीं है। और जैसा कि आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है YouTube वगैरह में कि वो हाथ छू करके या फिर अपना कहीं भी मतलब स्पर्श करके और लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यदि वो ऐसा करने लगे तो फिर ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं आपकी, मेडिकल वगैरह हैं, हॉस्पिटल हैं, वो किसी काम की नहीं है। फिर आप उनको बंद करवा दीजिए, उन्हीं से करवा लीजिए इलाज। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अनुचित है। और क्या इन सारी चीज़ों से जादू टोना अंधभक्ति को बढ़ावा मिल रहा है जो ऐसी चीज़ें होती हैं? बिल्कुल, देखो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वही लोग मतलब कि कुछ ना कुछ आस्था लेकर के उनके पास पहुंच रहे हैं, जो मेडिकल वगैरह से, हॉस्पिटल से, अपने आर्थिक तंगी से परेशान हो चुके हैं, वो लोग जा करके मतलब उनसे मिल रहे हैं। हो सकता है कुछ को मिला हो आराम, लेकिन मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है, सही नहीं है, और मैं नहीं मानता अंधविश्वास को। एक चीज़ और वो कहना चाहेंगे आपसे, चूँकि आप लोग एथिक्स भी पढ़ते हैं, फिलोसफी भी पढ़ते होंगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जब चिकित्सा जगत की बात करते हैं तो मानव शरीर में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उसमें से लगभग 55% बीमारियाँ साइकोलॉजिकल होती हैं। मतलब हमारा दिमाग तय करता है कि कौन सी चीज़ें कैसे किस वक्त कहां पर होंगी। और चूंकि हम एक ऐसे धर्म, एक ऐसे संस्कृति के बीच रह रहे हैं कि जहां धार्मिक संस्कृतियों के बारे में, आध्यात्म के बारे में, आध्यात्मिक ताकतों के बारे में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, तो क्या इसके पीछे का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि कई बार जब हम लंबे समय तक कुछ समस्याओं से जूझते रहते हैं तो ऐसे दरबारों में, ऐसे लोगों के पास जब हम जाते हैं तो चूंकि हमारा जो ब्रेन है उस चीज़ को डेवलप कर चुका होता है कि बस हम पहुंचेंगे, हमें प्रसाद मिलेगा और हम ठीक हो जाएंगे, हमारा सर दर्द कर रहा है, हम पहुंचेंगे और सर पे हमारे हाथ रखा जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। तो जैसे ही हम उस दरबार पे या किसी जगह पर पहुँचते हैं और हमारे सर पर हाथ रखा जाता है या प्रसाद हमको दिया जाता है, तो वही हमारा जो दिमाग है वो हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम को चेंज करता है और हमें ऐसा फील होता है कि बस हम ठीक हो चुके हैं। तो ये भी चीज़ जो है, तो इसको कहाँ तक कितना सही है, क्या फैक्ट्स हैं इसके लिए? मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी मतलब विद्यार्थी लाइफ में बहुत सी किताबों का अध्ययन करते रहता हूँ। तो एक अंग्रेज लेखक है डेल कार्नेगी करके, उनकी किताब है अवचेतन मन की शक्ति, जो सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैंने उसको पढ़ा है। तो जहाँ तक उसके अध्ययन के बाद मेरे को ये समझ में आया, और बाकायदा मैंने अपने जीवन में भी मतलब ये अनुभव किया है पढ़ते हुए कि जैसे मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ और वो घटना आगे हो चुकी होती है। मतलब हर किसी की लाइफ में ये घटनाएं होती हैं कि हम कोई चीज़ें सोच रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कभी सोचा कि मैं अपने फलाने मित्र से काफ़ी टाइम से बात नहीं की, पर शाम को हो सका उसका कॉल आ गया, वो मेरे को मिल गया, जबकि मैंने उससे 6 महीने नहीं मिला। तो ये भी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, और मैंने वो किताबों का अध्ययन किया तो उसमें भी यही बताया गया है कि जैसे पुराने समय में मतलब कोई पादरी वगैरह हुए, मतलब अदर धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में भी मतलब जो जादू टोनाएं वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक सबकॉन्शियस माइंड का मतलब एक फैक्टर जुड़ा रहता है, जिसके कारण भी लोग मतलब ठीक हुए हैं। उसमें भी मतलब बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने उसका अध्ययन किया हुआ है। तो उसमें यही बताया गया है कि मतलब जैसे हम यहाँ से सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो वो जो हमारी मतलब वेव है वो हजारों किलोमीटर तक काम करती है। तो जैसे ही मतलब अब हमारे मन में कभी कभी हमको डर रहता है तो हम मंदिर भी जाते हैं, भगवान के मतलब प्रार्थना करने में भी कभी कभी हमको ठीक लगने लगता है। तो
ये बिल्कुल मानता हूँ मैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन की जो शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर की पावर है, वो भी काम करती है। एक सिग्नल्स की तरीके से जो होती है वर्कफुल होती हैं, लेकिन फिर भी ये तो पूरी की पूरे पूरे तरीके की बात अगर हम करें तो गेम ऑफ माइंड कहा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे जब बात आ जाती है श्रद्धा की, आध्यात्म की, दिव्य चेतना की, कि मेरे भीतर ऐसी दिव्य चेतना प्रविष्ट हो चुकी है कि मैं सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़ करके उसकी समस्याओं के बारे में बता दूंगा, उसके घर की परिस्थितियों के बारे में बता दूंगा, जब ऐसे दावे किए जाने लगते हैं, जब ऐसे दरबार लगने लगते हैं, तो इनकी हकीकत के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो गेम ऑफ माइंड जिसके बारे में अभी आपने चर्चा की, वो तो एक सामान्य मनुष्य में भी हो सकता है, वो मेरे अंदर भी हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है, किसी एक मतलब सामान्य तौर पर जिसने कुछ भी अध्ययन किया, आपने अध्ययन किया, उसके अवचेतन मन के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपको ये चीज जानकारी है, लेकिन जिसको इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उसके मन में भी वो है, तो फिर अलग क्या है इसमें? मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कुछ मैजिशियन जो मतलब करते, नाम याद नहीं आ रहा, वो एक लड़की है तो मतलब यूट्यूबर ही है वो, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, एक और मतलब सरदार जी वो भी मैजिशियन करते हैं, और वो लोग मतलब माइंड रीड करने का काम करते हैं, और वो लोग काफी प्रैक्टिस करते हैं, लोगों से बात करते करते वो लोग मतलब उन्हीं से जानकारी लेते हैं। उनकी यूट्यूब चैनल में मतलब कुछ सेलिब्रिटी भी जैसे विराट कोहली और अक्षय कुमार जैसे, महेंद्र सिंह धोनी जैसे सेलिब्रिटी भी आए हैं उनकी यूट्यूब चैनल में, और उन्होंने उनका माइंड पढ़ के बता दिया। जैसे उन्होंने विराट कोहली से पूछा कि आपका पासवर्ड क्या है, तो मतलब विराट कोहली का उन्होंने पासवर्ड जो था, उन्हीं से बात करते करते उन्होंने उनका पासवर्ड बता दिया था। तो इस टाइप से माइंड रीडिंग जैसी चीज़ें भी कुछ हैं, बट ये एक लंबी प्रैक्टिस के बाद आती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है आप जिनकी बात कर रहे हैं वो काफी लंबे समय से ये practice... बट उनकी उम्र 26 ईयर ओल्ड, पर कुछ लोग रहते हैं कि मतलब एक कम उम्र में भी ये प्रैक्टिस करने लगते हैं। जैसे कुछ लोग का रहता है कि मतलब उनको एक फील्ड चुन लेते हैं और प्रैक्टिस करते करते मतलब कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करे, हर चीज़ संभव है प्रैक्टिस से, तो हो सकता है उन्होंने प्रैक्टिस किया हो। और वो और जैसे आप देखते हैं कि जैसे आपने मेरा चेहरा भी देखा, और हो सकता है किसी मतलब ऑफिशियल साइट में जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, उसमें आपको फैन रिक्वेस्ट इस तरह से आ जाती हैं, जबकि हम एक दूसरे को पूरी तरह से जानते नहीं हैं, है ना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रहती है उसके थ्रू रहता है कि वो रीडिंग कर लेती है अपनी, है ना। तो ये एक प्रकार से कार्य करता है, तो इसमें एक ये नहीं कह सकते ये अंधविश्वास है, ये अपना रियल ज्ञान है ना, रियलिटी है ये चीज़। हाँ, होती हैं। आपने देखा होगा कि मतलब आपने बहुत पहले किसी व्यक्ति को देखा है और वो आपको शाम को जब आप ऐप भी खोल रहे हैं, आपकी इंस्टा खोल रहे हैं, तो उसमें वही व्यक्ति सामने दिख जाता है, अचानक से आ जाता है, आप तो लगता है कि नहीं मैंने आज शाम को इसको देखा था। बट ये तो कोइंसिडेंट ही हो सकता है, कोइंसिडेंट ही हुआ है ना। तो ये अलग चीज़ है। जैसे आपने बोला कि शरीर के बारे में मतलब कि अंदर की जानकारी कैसे पता कर लेते हैं, है ना, तो वो भी मैं बता रहा हूँ जैसे अपना खुद का उदाहरण कि रात को मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, लेकिन मैंने अपने माइंड को अपने शरीर के ऊपर हावी कर लिया, तो उस वजह से मतलब उसको निगलेक्ट कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो ऑटोमेटिक अपने से मतलब समझ में नहीं आया और पैर ठीक हो गया ना। तो ये भी एक कार्य करता है, आपका माइंड जो है जब आपके शरीर में से ज़्यादा हावी हो जाता है, तो उस स्थिति में माइंड जो सोचता है उसी हिसाब से हमारा शरीर कार्य करने लगता है। जिस तरीके से राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट में पूरी भारत यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके मनोशक्ति ही है, मनोशक्ति है, कुछ ना कुछ उनको विश्वास है कि इससे कुछ हो जाएगा, हो सकता है अगली लोकसभा चुनाव वो जीत जाए, कुछ ना कुछ उनको है, आशा है कुछ ना कुछ हो जाए करके। एक चीज़ और थोड़ा सा पूछेंगे,